नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज, बादल फट गया है। देहरादून के अंदर भयंकर तबाही मच गई है। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 से 3 घंटों के दौरान कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, सिरमौर और मंडी जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी से अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बादल फटने और अचानक बाढ़ आने की वजह से दोस्तों तबाही मच गई है। कई जगह पर दोस्तों कई लोगों की मौत हो गई है। जबरदस्त भूस्खलन देखने को मिला है। यहाँ पर हजारों घर दोस्तों तबाह हो गए हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है और कई लोग बह गए हैं। यह आप दोस्तों रौद्र रूप देख सकते हैं। वही दोस्तों आपको बता दें, आज बंगाल की खाड़ी से भी तूफान उठा है, जिसके चलते कई राज्यों में तबाही मचने वाली है। देहरादून जिले के रायपुर प्रखंड के सरखेत गांव में तड़के 2:45 पर बादल फट गया है, जिसकी सूचना दोस्तों अभी अभी मिली है। यहां पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें दोस्तों भेज दी गई हैं। साथ ही जो भी दोस्तों आसपास के गांव हैं वे भी दोस्तों खाली करा दिए गए हैं। वहीं देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में लगातार जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मंदिर ढह गया है। मंदिर पानी में दोस्तों पूरा का पूरा डूब गया है। आसपास के सारे इलाके पानी में डूब गए हैं और दोस्तों लोगों को वहां पर निकालने का काम चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। कई हेलीकॉप्टर लगा दिए हैं। सेना को भी दोस्तों यहां पर बुलाया गया है। इन दिनों हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के अंदर जगह जगह भयंकर से अति भयंकर भूस्खलन की घटना भी देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें, आज भारत के केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार के अलग अलग दोस्तों जिलों के अंदर भारी से अति भारी बारिश होगी। साथ दोस्तों लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। आप सभी से विनती है कि अगर इन राज्यों में रहते हैं तो अलर्ट हो जाइए, नदी नालों के पास ना जाएं, भारी बारिश के चलते बाहर ना निकले, क्योंकि भारी बारिश के साथ में आकाशीय बिजली गिर रही है। अलर्ट रहे, सुरक्षित रहे।